गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको देवों के देव महादेव शिव के साथ ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिसे आप अभी तक अनजान थे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ शंभू हैं। फिर भी भगवान शंकर के जन्म से जुड़ी हुई कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शिव के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो सामान्यतः आम व्यक्तियों को नहीं पता है। आज हम आपको भगवान शंकर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर वन, पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे के पसीने से की बूंद से हुई थी। इसके अलावा अयप्पा भोलेनाथ और मोहिनी के संयोग से ही जन्मे थे। नंबर टू, कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शंकर के ही पुत्र थे, परंतु धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। नंबर तीन, सप्त ऋषियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्त ऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया गया था। नंबर चार, कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु तस्वीरों में दोनों की आकृतियां अलग अलग है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। नंबर पांच, भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्होंने ही दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि उनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां ही थी। नंबर छह, भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र जिसे माता पार्वती के उपटन से निर्मित किया गया था। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी भगवान शिव ने पाला। जालंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। नंबर सात, ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिया। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और त्रेता काल में राम के समय भी उपस्थित थे। वो द्वापर काल महाभारत में भी उपस्थित थे और काली काल में विक्रमादित्य को शिव के भी दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक जानकारी जानने के लिए और सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां दे सके। तो आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए, प्रभु की वंदना करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए, जिससे प्रभु आपसे जल्द से जल्द प्रसन्न होंगे। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वो देर सवेर आपकी आराधना को जरूर स्वीकार करेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।